मैं झाड़ू मार रही हूँ तो रात को ढूंढे नहीं कपड़े, और रात को कपड़े ढूंढे नहीं तो ऑफिस जाते समय कपड़े ढूंढे तो मतलब मैं जो गर्मी के कपड़े थे वो मिले ही नहीं। उसका भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब। मैंने कहा यार मैं तो मेरे संभालने हालत खराब हो रही है और तुम चिल्ला रहे हो सुबह सुबह उठ के, रात को ही ढूंढ के रख लेते अपने कपड़ों को। तो मैं ये झाड़ू देख रहे हो मैं कितना कूड़ा निकालूं, कितना झाड़ू मारूं, कितने दिन के मेरे 2-3 बार झाड़ू मारा जाता है फिर भी इतना निकल ही जाता है। ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा किचन साफ कर रही हूँ, और ये अभी कर रखा है मैंने नाश्ता पानी। तो चूल्हे में मैंने चावल रखे हैं और मैंने कहा तब तक मैं वो कर लेती हूँ, देर में नाश्ता देर में करा था। काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैंने कहा थोड़ा तब तक चावल बन जाएंगे, किचन साफ कर देती हूँ। चावल रखे हैं धीरे गैस पे और जब तक मेरा और काम होता है तब तक, जब तक मेरा काम होता है तो तब तक चावल बन जाएंगे और फिर मैं किचन साफ करके नाश्ता के बर्तन में थोड़ा सा उनको निकालती हूँ। हमारा खाना हो गया है, इनको दे रखा है मैंने खाना, ये खा रहे हैं। और मैंने ये काबू बना रखा है और ये चावल है और ये मैंने बर्तन बर्तन धो के यहाँ पर रख दिए और अभी जितने खाने के हैं वो ये धोने हैं। मैंने सब्जी काट रही हूँ मैं, पालक और बथुआ ला रखी हूँ, ये सब्जी काट रही हूँ। मोटा मोटा काट देती हूँ मैं क्योंकि वो पालक जल्दी गल जाता है तो मोटा मोटा ही काट रही हूँ। सब्जी कट के हो गई है तैयार और अब धोती हूँ मैं इसको, 2-3 पानी धोऊंगी, 2-3 पानी धो के फिर उबालने को रखूंगी। इधर मेरा साग सब्जी उबल के मैंने उधर रख दी और निचोड़ना और बनाना बाकी है और इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है और मैंने बोला अपनी बेटी को कि तू घर से आएगी ऑफिस से तो दूध भी ले आना, 2 लीटर दूध लेके आना, 1 लीटर दही लेके आना। तो दूध लेके आई थी, 2 लीटर दूध लेके आई थी, 1 लीटर दही लेके आई है। तो अब ये दूध उबल जाएगा फिर मैं इसको साइड करके फिर मैं सब्जी रखती हूँ चूल्हे में। ये मैं कल खीरा लेके आई थी और मैं खीरा का आज मैं खीरा का रायता बना रही हूँ, कल भी मैंने खीरा का ही रायता बनाया। ये बन गया मेरा रायता बना के गया ये खीरा का। ये मैं इसमें नमक मिर्ची जो है वो तो सभी डालते हैं पर मैंने ज़्यादातर लोगों का ये देख रखा है रहता है क्योंकि वो हल्दी नहीं डालते हैं रहते में, तो मैं हल्दी रहता में हल्दी ज़रूर डालती हूँ और अच्छा कलर दिखता है। और ये इसके ऊपर मैंने ये जीरा भून के पीस के ये जीरा पाउडर डाल रखा है, तो जीरा पाउडर रहता में डाल के बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है और सब खा पी के अपने अपने बिस्तरों में आ गए हैं और बर्तन बुर्तन भी हो गए हैं, किचन साफ हो गया है और आज का रायता जो था बहुत टेस्टी हो रहा था, पालक पनीर भी बहुत टेस्टी हो रहा था लेकिन बच्चों को भी पसंद आ गया था, जब बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा हो रहा है तो खाने बनाने वाला खुश हो जाता है। अगर तूफान आ जाता है ये नहीं और ये खराब है वो खराब है।
तो जाके क्यों जाके बनाने वाला के भी दिमाग खराब हो जाए कि मेहनत से बनाया तो अच्छा ही नहीं हो रहा करके, और अच्छा खाना बनता है तो बनाने वाला का भी मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है सबका पसंद आ गया तो सही है। कल का रहता कड़वा हो गया, सबको कड़वा हो गया। चलो फिर दोस्तों ठीक है, और कल मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड नाइट।